और दोस्तों मेरा नाम है अभिषेक और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों अभी बीएससी सेकेंड ईयर के रिजल्ट्स और जो बीएससी फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर के रिजल्ट आए हुए हैं उनमें भी अभी कुछ कॉलेज के रिजल्ट्स जो हैं वो नहीं आए हुए हैं। तो मैं बीएससी सेकेंड ईयर के रिजल्ट और इन सभी जो कॉलेज के रिजल्ट नहीं आए हुए हैं अभी उन सब के बारे में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस देने वाला हूँ, मतलब इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अगर कोई भी रिजल्ट आता है तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन इसी चैनल पर मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं दोस्त आपको बता देता हूँ कि जो बीएससी सेकेंड ईयर के रिजल्ट के लेकर अभी जो वेबसाइट है ऑफिशियल तौर पर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आई हुई कि रिजल्ट कब आने वाला है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। जब बीएससी सेकेंड ईयर का रिजल्ट आया हुआ था उसी समय उसी नोटिस में एक नोटिफिकेशन एक लाइन जो है एक इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी बीएससी सेकेंड ईयर के रिजल्ट के बारे में भी लिखी हुई है। मैं आपको वो नोटिफिकेशन दिखाता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ से मैं आपको ऑफिशियल साइट से एक नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ जो कि बीएससी सेकेंड ईयर के बारे रिजल्ट के बारे में थोड़ा कुछ बताती हुई। ये नोटिफिकेशन तब का है जब केवल बीएससी फर्स्ट ईयर के रिजल्ट आए हुए थे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3/5/2019 के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है बीएससी फर्स्ट ईयर के बारे में, और यहाँ से आप छोटी सी एक लाइन यहाँ नीचे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है बीए प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष एवं बीएससी द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष की परीक्षाफल शीघ्र घोषित करने की कार्यवाही त्वरित गति से की जा रही। तो इसका मतलब है कि जिस समय बीएससी सेकेंड ईयर के रिजल्ट आए हुए फर्स्ट ईयर के रिजल्ट आए हुए थे उसी समय सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के रिजल्ट आने, मतलब कि उसी टाइम, मतलब कार्य जो है वो काफ़ी तेजी से चल रहा था। तो अभी बीएससी थर्ड ईयर के रिजल्ट आ चुके हैं लेकिन सेकेंड ईयर का अभी रिजल्ट आया नहीं हुआ है। तो इस नोटिफिकेशन से ये पता चलता है कि बीएससी सेकेंड ईयर का रिजल्ट भी जल्दी आ सकता है, और जिन कॉलेजेस का भी रिजल्ट नहीं आया हुआ चाहे वो बीएससी फर्स्ट ईयर के हों या सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के हों, तो उन कॉलेज का रिजल्ट कब आएगा इसके बारे में ऑफिशियल तौर पर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आई हुई है। लेकिन आप लोगों को यही काम करना है कि आप लोगों को रेगुलरली इस वेबसाइट को विजिट करते हुए रहना है और आप अपने रिजल्ट को देख सकते हैं। तो आपको रिजल्ट देखना पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको सीधे से अपने ब्राउज़र पर ramlaau.ac.in टाइप करना है, मतलब आपको अवध यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट को ओपन करना है। और जो ऑफिशियल साइट ओपन करेंगे तो इस तरीके का एक आपको पॉपअप आएगा, इसको आपको क्लिक कर देना है, काट देना है। उसके बाद आपको नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा रिजल्ट एंड मार्कशीट। तो यहाँ से जाकर आप अपने मार्कशीट रिजल्ट और मार्कशीट को रेगुलरली चेक कर सकते हो। और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना क्योंकि इस पर भी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले ही मिलने वाली है। तो यहाँ पे देख सकते हो बीएससी फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर की ही रिजल्ट आए हुए हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि जब तक आपके रिजल्ट नहीं आ जाते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के, जिन कॉलेज का नहीं आया हुआ नहीं आ जाता, तब तक आप क्या कर सकते हो, आप अपने आगे वाले, जैसे आप बीएससी फर्स्ट ईयर के हैं तो सेकेंड ईयर के हैं तो थर्ड ईयर की पढ़ाई कर सकते हो। और ये कैसे कर सकते हो, इसके लिए आपको बुक खरीदने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं आपको एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप बीएससी की को पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हो बिना एक पैसा खर्च किए हुए। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और उस वीडियो को जरूर देखना, उससे आप बीएससी की बुक्स को डाउनलोड कर सकते हो अपने फोन में। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।